ये है हमारा भाई गोल्ड फिश और शुभान किंग का मिक्स ब्रीड, और ये लगभग भाई 2.5 से 3 मंथ का हो गया है। सोचा भाइयों को दिखा दूँ, इसको भाई ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे। सोचा अनबॉक्सिंग करने से पहले भाई ये बच्चे को दिखा दूँ मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भाई फिश फूड की अनबॉक्सिंग, क्योंकि कुछ दिन पहले भाई मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि भाई ये फिश फूड मैंने ऑर्डर किए हैं, तो कुछ को तो मैंने कैंसिल करवा दिया, कुछ उसमें भाई लोकल फूड थे, उसमें से एक भाई आज आ चुका है और भाई आपके सामने हम बिल्कुल इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं इसमें कौन सा फूड है भाई। बाकी कुछ फूड मेरे आए नहीं हैं, वो जैसे ही आएंगे तो भाई मैं उनकी भी वीडियो डाल दूंगा। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। और ये वो फूड है भाई जो मैं लगभग साल भर से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, बेस्ट क्वालिटी लगी मेरे को। तो आज भाई इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलो देखते हैं भाई इसमें कौन सा फिश फूड है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई। आप देख सकते हैं भाई ये मेरे ही नाम से आया है, कहीं आप ये सोच रहे हो भाई किसी का, ऐसे ही नवीन यादव के नाम से है। ये भाई इसके साथ बिल है मेरा, चलो इसको तो साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं रेट इसका 129 रुपये का पड़ा है भाई ये पैकेट मेरे, क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड है। और ये है भाई हमारा फिश फूड ऑप्टिमम 3 इन 1, भाई बेस्ट क्वालिटी ये लगती है मेरे को। तो ये शुभांकिन और गोल्ड फिश के लिए तो भाई मेरे को भी बेस्ट क्वालिटी लगी बिल्कुल भाई। वैसे इस पे रेट भाई लिख रखा है 185 रुपये, लेकिन ये मेरे को पड़ा है भाई 129 रुपये में मात्र। और इसमें भाषा कुछ भाई और या न्यूट्रिशन मैं आपको इंग्लिश में ये बता दिखा सकता हूँ। देखो इंग्लिश पढ़ा है, क्रूड प्रोटीन इसमें है 38%, क्रूड फैट है 3%, क्रूड फाइबर है 5%, मॉइस्चर 12%। भाई गोल्ड फिश की दृष्टि से तो मेरे को ये लगा बिल्कुल भाई बेस्ट। वैसे भाई इस पर लिख रखी है भाषा कुछ और ही, मैं इसको ट्रांसलेट करके शायद आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा कि भाई इस पर ये MFG डेट वगैरह की शायद। तो भाई ये है हमारा फिश फूड और ये किस प्रकार का दिखता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इसको अंदर से। और ये भाई हमने इसको खोल लिया है, ये देखिए भाई इस फूड के अंदर ये किस प्रकार का दिखता है। बारीक दाने हैं, बिल्कुल सही साइज के हैं भाई, पानी में डालने के बाद कुछ फूलते भी हैं, तो बढ़िया क्वालिटी है भाई। चलो तो भाई